Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss a poem, La Belle Dame Sans Merci. ये पोम जॉन कीट्स ने लिखी है. जॉन कीट्स लंदन के रहने वाले एक बहुत ही फेमस पोएट थे, जिनका बर्थ 1795 में हुआ था. स्टार्टिंग की एज में उन्होंने मेडिसिन पढ़नी शुरू की थी, बट आफ्टर दैट उन्होंने अपना करियर जो है पोइट्री में स्टार्ट कर लिया. एट द एज ऑफ 14 उनकी मदर जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से पास हो गई थी, और उनके ब्रदर को भी टीबी था और उनकी भी बहुत एक अर्ली एज में डेथ हो गई थी. और खुद जॉन कीट्स भी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बहुत जल्दी एट द एज ऑफ 25 में उनकी डेथ हो गई थी. जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट माने गए हैं, जो अपने पोएम्स में एक तरह का मैजिक क्रिएट कर देते हैं. अपने पोएम में नेचर लेके आते हैं, आर्ट यूज़ करते हैं, लाइफ यूज़ करते हैं, ब्यूटी यूज़ करते हैं, और एक वो ब्यूटी के लवर हैं. उनको ब्यूटी वाली पोम्स लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता होता था. बट जब ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी की बात होती है, ब्यूटी के ढलने की बात होती है, कि कैसे यूथ में बहुत एक पर्सन में ब्यूटी होती है, बट टाइम के साथ साथ वो ब्यूटी कम होनी शुरू हो जाती है, ये चीज़ उनको बहुत दुख देती है. बिकॉज ब्यूटी इज़ वेरी स्मॉल पीरियड. ब्यूटी एक बहुत छोटे से टाइम के लिए होती है, और ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती. ये चीज़ से उनको बहुत बड़ा दुख मिलता है. उनको इमेजिनेशन टेक्निक उनकी बहुत अच्छी है. जितने भी उनके पोम्स हैं उनमें उन्होंने बहुत अच्छी इमेजिनेशन टेक्निक्स डाली हैं. अभी भी हम ये पोम में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन अलग अलग चीज़ों की वो बात करते हैं, इमेजिनेशंस की बात करते हैं, मिस्टीरियस थिंग्स की बात करते हैं, और उनको इमेजिनेटिव पोइट भी कहा जाता है. और जो ये पोम है ला बेल डाम सा मर्सी, एक्चुअली ये जो टाइटल है पोम का, ये फ्रेंच टाइटल है, और ये उन्होंने फ्रेंच पोइट एलन शार्लियर से लिया गया है. ये टाइटल का मतलब है द ब्यूटिफुल वुमन विदाउट मर्सी, एक ऐसी सुंदर औरत जिसमें मर्सी नहीं है, दया नहीं है, दया की भावना नहीं है. एक्चुअली ये एक बैलेट है. बैलेट वो होती है जिस पोम में एक कहानी बताई जाए. जैसे कि इसके जो फर्स्ट 3 स्टैंजाज हैं पोएम के, उसमें नरेटर जो है वो एक नाइट से क्वेश्चन पूछ रहा है. एक नाइट होता है, एक ब्रिटिशर्स स्पेशली ये नेम यूज़ करते हैं, एक ऐसा मैन जिसको उन्होंने सुपीरियर दी होती है डेजिग्नेशन, या एक ऐसा माउंटेड मैन. अगर हम इसको और मतलब इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो हम देखेंगे कि एक ऐसा मैन होता है जिसने आसपास एक आयरन का सूट डाला होता है, अपने आप को पूरा हेड उसने, पूरी बॉडी उसने अपनी कवर की होती है, और उसके पास हथियार होते हैं, आर्म्स होते हैं, और एक तरह का प्रोटेक्शन में काम आता है. एक नोबल मैन को कहा जाता है. मोस्टली हॉर्सेस पे होते हैं ये लोग. तो एक नाइट से वो जो नरेटर है वो फर्स्ट 3 स्टैंजास में क्वेश्चन पूछ रहा है, और बाकी के जो लास्ट स्टैंजास हैं उसमें जो नाइट है वो उसके क्वेश्चन का आंसर कर रहा है. तो अब हम शुरू करेंगे इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉयटरिंग, द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग. इसमें जो नरेटर है वो फर्स्ट लाइन में पोइट से पूछ रहा है कि ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स. जो पोइट है वो नाइट से पूछ रहा है कि इस रात में तुम्हें यहाँ पर घूमने की क्या जरूरत पड़ी है, क्या ऐसी बात हो गई जो तुम इतनी रात को यहाँ पर घूम रहे हो अलोन एंड पेलली लॉयटरिंग. अलोन, एक तो अकेले हो, ऊपर से तुम्हारी जो तबीयत है, तुम्हारा फेस है वो अनवेल लग रहा है, और बिना कोई पर्पस के यहाँ पर आप घूम रहे हो. द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्सिंग. बल्कि जो
लेक है, लेक के जो आसपास प्लांट्स होते हैं वो भी सूख गए हैं, मुरझा गए हैं। इससे पोम का बैकग्राउंड पता चलता है कि ये एक ऑटम के बाद की बात की जा रही है, कि विंटर की बात की जा रही है जब बहुत ठंड है, आसपास कोई पंछी नहीं बोल रहे, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सूख गए हुए हैं, कोई भी नहीं है आसपास, ठीक है। और ऐसा सा उन्होंने बैकग्राउंड पोम को दिया हुआ है कि वो नाइट से पूछ रहा है पोइट कि तुम यहाँ पर आधी रात को ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर बिना किसी मतलब के तुम लोग घूम रहे हो और अकेले हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, तुम अनवेल लग रहे हो, बिना किसी मतलब के घूम रहे हो, कि क्या रीजन क्या है। सेकंड स्टैंजा, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट टाम्स, सो हैगर्ड एंड सो वो बेगॉन, द स्क्विरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। वो पूछता है कि क्या तुम्हें इतनी क्या जरूरत पड़ी है इस टाइम पे ऐसे घूमने की, क्या ऐसी क्या बात हो गई, सो हैगर्ड एंड सो वो बिगॉन, कि तुम इतने टायर्ड दिख रहे हो, इतने थके हुए दिख रहे हो और इतने दुखी लग रहे हो, इतने मिजरेबल लग रहे हो, इतने अनहैप्पी लग रहे हो। वो बिगॉन का मतलब है ये, द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन, कि जो बल्कि ऐसा टाइम चल रहा है कि जब जो स्क्विरल है, जो गिलहरियां हैं, उनकी आदत होती है कि वो गर्मियों में सारा अपना खाना स्टोर करके रख लेती हैं, क्योंकि सर्दी में ठंड होती है और वो बाहर खाना ढूंढने नहीं जा सकती। तो वही वो बता रहा है, बाहर आसपास का बैकग्राउंड इसमें बता रहा है कि जो स्क्विरल्स हैं उन्होंने भी अपना सारा खाना स्टोर करके अपनी ग्रेनरीज में रख लिया है और जितना भी हार्वेस्ट है वो डन हो चुका है। मतलब जो आसपास की कटाई का काम था, जो खेतों में फसलों का काम था, वो भी सारी कट चुकी हैं, अब कुछ नहीं बचा। तुम इधर क्या कर रहे हो इस टाइम पे, कि तुम्हें कौन सा ऐसा काम आ गया कि जो तुम अकेले दुखी इधर घूम रहे हो बिना किसी बात के। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्राउ विद एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर इट टू। वो कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे फोरहेड पे एक लिली है। फोरहेड पे लिली मतलब यूजुअली जो सबके फेस होते हैं वो रेड फेस होते हैं, एक उनके फेस पे पिंकिश टोन होती है, ब्लश की टोन होती है, बट तुम्हारा फेस वाइट हुआ पड़ा है। वाइट फेस तब हुआ पड़ता है जब किसी के होश उड़े होते हैं, किसी के रंग फेस का उड़ा होता है, वो चीज यहाँ पर ही डिनोट कर रहा है कि आई सी अ लिली ऑन दाई ब्राउ विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू। एंग्विश मतलब डिस्टर्ब्ड से तुम लग रहे हो, और जो जितना भी मॉइस्चर है तुम्हारे फेस का वो सब कुछ उड़ा हुआ है तुम्हारे फेस पे, जैसे ठंडे बुखार में भी पसीने आने वाला काम होता है ना, जो ठंडे पसीने आ रहे होते हैं वैसा तुम्हारा फेस हुआ पड़ा है। ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर इट टू, और तुम्हारा जो फेस है बिल्कुल पेल होता जा रहा है, जितना भी तुम्हारे फेस से ब्लश था वो सारा रंग जो था तुम्हारे फेस से वो उड़ता जा रहा है, तुम्हारा जो फेस है वो एक पावर सी लूज कर रहा है, तुम हेल्पलेस से लग रहे हो। तुम ऐसा क्यों है कि तुम्हारा फेस, मतलब उसके पीछे का रीजन पूछ रहा है कि इतनी जल्दी ये तुम्हारा फेस पावर क्यों लूज कर रहा है, तुम्हारा फेस अपना ब्राइटनेस क्यों डल हो रही है उसकी, ऐसा क्यों। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है, आई मेट अ लेडी इन द मीट्स, फुल ब्यूटिफुल अ फेरीज चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आईज वर माइल्ड। अब यहाँ पर फोर्थ स्टैंजा में जो नाइट है वो उसको रिप्लाई देता है कि आई मेट अ लेडी इन द मीट्स, मैं एक लेडी को मिला था मीडोज में, गार्डन्स में, एक गार्डन में एक लेडी को मैं मिला, फुल ब्यूटिफुल अ फेरीज चाइल्ड, इतनी सुंदर थी वो लग रही कि जैसे वो किसी परी की बेटी हो, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट, लंबे घने बाल थे उसके, और जब चलती थी तो इतना नजाकत के साथ चलती थी कि बहुत अच्छा लगता था, एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी बहुत ही प्यारी सी आंखें, नशीली सी आंखें उसकी दिखती थी। नेक्स्ट स्टैंजा, आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड and bracelets and bracelets too and fragrant zone, she looked at me as she did love and made sweet moan। कहता कि मैंने उसके लिए फूलों से उसके एक क्राउन बनाया,
फूलों का उसके लिए ब्रेसलेट्स बनाए, एंड फ्रेग्रेंस जोन जो हमारी जो वेस्ट वाला एरिया होता है उसके लिए भी मैंने कमरबंद टाइप ऑफ कुछ बनाया मैंने। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और उसे वो पहन के बहुत अच्छा लगा और उसको उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया। और प्यार को एक्सेप्ट उसने कैसे किया कि जिस तरह से मैंने उसको वो गार्लेंड्स जो मैंने उसको ब्रेसलेट्स पहनाए, मैंने उसको जो क्राउन पहनाया, तो उसने एक विस्परिंग एक्सेप्टेंस दी, विस्पर करके उसने एक एक्सेप्टेंस दी कि हाँ वो भी मुझसे प्यार करती है और उसने ये सारी मेरी चीजें एक्सेप्ट की। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड एंड सिंग A fairy song. वो कहते हैं कि मैंने उसको अपने जो हॉर्स था उसके ऊपर बिठा लिया। I set her on my pacing steed and nothing else saw all day long. और मैंने पूरे दिन उसी को देखता रहा और किसी चीज को नहीं देखा। For side long would she bend and sing a fairy song. और बल्कि जो ऐसा वो गाना गाने लग गई कि मेरे को भी नहीं पता चला कि वो क्या गा रही है, बट वो गाना बहुत ही सुंदर था। She found me roots of relish sweets and honey wild and manna dew and sure in language strange she said I love thee true। इस स्टैंजा में वो कहता है कि जो पोएट है वो उस लेडी को एक परी की तरह बता रहा है, उसकी इमेजिनेशन जो है यहाँ पर वो उसको एक परी का सिंबल की तरह बता रही है। तो वो कह रहा है यहाँ पर कि उसने मेरे को कुछ बहुत टेस्टी से फ्रूट्स दिए, अलग ही फ्रूट्स थे वो, एंड वाइल्ड हनी, ताज़ा वहाँ का फॉरेस्ट का जो हनी होता है वो उसने दिया, एंड मैना ड्यू, और भी जो परियों के खाने वाले फूड होते हैं उसको मैना ड्यू कहा जाता है, बहुत से फेरी टेल्स में इसका नाम आता है। तो मैना ड्यू दिया उसको, एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू, और मुझे नहीं समझ आया कि उसने किस भाषा में बोला, बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि उसने भी मेरे को यही कहा होगा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शी टुक मी टू हर एल्फ इन ग्रॉट एंड देयर शी वेप्ट इनसाइड फुल सोर एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज विद किसेस फॉर। वो कहता है कि वो मेरे को एक केव में ले गई जो बहुत ही ब्यूटीफुल केव था, मिस्टीरियस केव था। यहाँ से हम जो पोएट है उसकी इमेजिनेशन के बारे में पता चलेगा हमें कि क्या वो सोचता क्या है, उसकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है कि वो एक केव की उसने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी है कि जो बहुत ही सुंदर है, परियों का कोई केव लग रहा है, बहुत ही मिस्टीरियस सा जादुई सा लग रहा है कि उसमें पता नहीं कौन से राज छुपे होंगे उस केव में। एंड देयर शी वेप्ट इनसाइड फुल सोर, और वहाँ बैठ के वो बहुत रोई, बहुत रोने वाली उसने भावना अपनी दिखाई, बहुत काफ़ी रोई, और उसी समय मैंने उसकी आंखें बंद की और उसकी आंखों पे किस की और उसको एक सहानुभूति दी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको एक सहारा सा दिया कि जैसे उसका एक दर्द बांटा, उसका दुख बांटा पोएट ने। एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड आह वो बिटाइड द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिलसाइड। वो कहता है कि वहीं पर उसने फिर मेरे को एक इतना मधुर सा गीत गाया जैसे कि लोरी होती है, और वहां पर मैं सो गया। एंड आई देयर ड्रीम्ड आह वो बिटाइड, और वहां पर मेरे को एक बहुत ही खौफनाक सा, इतना डरावना सा सपना आया कि वो मेरी जिंदगी का आखिरी सपना था। वहां पर इतने ठंडे से हिल के साइड पे बैठा हुआ था, मतलब उस केव में बैठे हुआ था वो, और वहां का वो लास्ट सपना था और इतना डरावना सपना था कि आई सॉ पेल किंग्स इन प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे ऑल, दे क्राइड ला बेल डाम सामर सी हाथ्री इन थ्रॉल। वो कहता है कि मैंने सपने में क्या देखा कि पेल किंग्स थे, प्रिंसेस भी थी, और पेल वॉरियर्स थे, मतलब ये सारे लोग मरे हुए लग रहे थे कि उनके फेसेस के जो रंग हैं वो पूरे उड़े हुए थे, किंग्स थे, प्रिंसेस थे, वॉरियर्स थे, वहाँ पर ये सब मरे हुए थे और चिल्ला रहे थे।
इतना चिल्ला रहे थे कि मैं भी डर गया, और कह क्या रहे थे, चिल्ला क्या रहे थे, ला बेल डाम सा मर्सी फ्रेंच लाइन बोल रहे थे, जिसका मतलब था कि ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, ऐसी सुंदर लड़की जिसमें कोई दया भावना नहीं है, कोई मर्सी नहीं है किसी के लिए, और मैं बहुत डर गया था। I saw their starved lips in the bloom, with a horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside. कहता कि मैं उनकी तरफ देखता रह गया कि उनके जो लिप्स थे वो मॉइस्चर नहीं था, उनमें ड्राई लिप्स थे, डार्कनेस भरा वो केव था, इतना डरावना हॉरिड केव था, वार्निंग गेव्ड वाइड, और जो वो जितने भी वहां पर लोग थे उनकी बड़ी बड़ी डरावनी सी आंखें थी, एंड आई वोक एंड फाउंड मी है, कि मैं इतना डर गया कि मेरी एकदम से आंख खुल गई और मैंने अपने आप को वहीं पर पाया जहां मैं लेटा हुआ था, वही कोल्ड हिल साइड में, वहीं पर केव के पास। And this is why I sojourn here, alone and palely loitering, though the sedge is withered from the lake and no birds sing. कहता कि उस डरावने सपने ने, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो लेडी है ये बिल्कुल मर्सी के बिना है, और चिल्ला रहे थे, इतने मरे हुए थे सारे लोग, और उनको देख के मैं डर के उठ गया, और देखा मैंने कि मैं वहीं पर हूँ, बट वो तो वहीं पर था, बट जो उसकी लेडी थी जिसके बारे में वो बात कर रहा था वो वहां पर नहीं थी, अकेला उसने अपने आप को पाया, इधर उधर मैं घूमने लग गया। कहता है एंड दिस इज वाई आर सजोन है, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेला घूम रहा हूँ, अलोन एंड पेली लॉयटरिंग, इसीलिए मेरा रंग उड़ा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेला हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ बिना कोई मतलब के। दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी ठंड आ जाए, मैं तब का यहीं पर हूँ, चाहे यहाँ पर कोई बर्ड्स ना गाएं, चाहे सारी फसलें कट गई हों, बट स्टिल मैं यहीं पर हूँ। यहाँ पर पोएम का पोएट एंड कर देता है और सबको एक मिस्ट्री में छोड़ देता है, एक इस गहरे राज में छोड़ देता है कि हुआ क्या होगा, जो उसकी लेडी थी जिसके बारे में वो बात कर रहा था कि जो परी की तरह थी, वो आखिरकार कहाँ गई, कौन थी वो, ये किसी को भी नहीं पता चला, और क्यों अभी भी वो क्यों उसकी तलाश में है, वहीं पर है, सारी दुनिया अपना काम करे, वो अकेला वहां पर है बिना किसी रीजन के, कितने टाइम हो गया होगा उसको वहां पर, ये सारी चीजें उसने यहाँ पर बताई है। और सच में इसमें इमेजिनेशन पोइट की जो थी, कि कैसे वो केव्स में जाता है परियों के साथ, उसको लेडी को बताता है कि वो परी थी, वहाँ का अपना ही उसने फ्रूट्स दिए अलग से खाने को, इस तरह से बोलती थी कि पोइट जो नाइट था उसको भी नहीं समझ आता था, बट उसको अच्छी भी बहुत लगती थी, और बहुत ही सुंदर तरीके से उसने ये सारी चीज़ें बताई, और सारी एक इमेजिनेशन है, और एंड में एक क्वेश्चन मार्क पे उसने पोएम छोड़ दी है, मतलब जो रीडर्स हैं उनके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया कि सोचते रहो क्या उसने बताने की कोशिश की है, कि कहाँ गई वो लेडी, कौन थी वो लेडी जिसने जो नाइट है उसको वहाँ पर रहने पर मजबूर कर दिया। तो ये थी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ला बेल डाम सा मर्सी। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको ये पोएम सच में अच्छी तरह समझ आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।